सजेशंस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पावर्स ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की क्या क्या शक्तियां होती हैं। इससे पहले जो हमने आपके साथ वीडियो शेयर की थी उसमें हमने बताया था कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है, ठीक है। इससे पहले कि हम अपना सेशन शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम इसमें क्या क्या देखें, कौन कौन सी पावर गवर्नर के पास होते हैं। गवर्नर के पास लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं, कानूनी पावर्स होती हैं, ठीक, कानून बनाने से संबंधी पावर, एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, उसके पास कार्यपालिका की शक्तियां भी होती हैं, जुडिशियल पावर्स भी होती हैं उनके पास, तो और फाइनेंशियल पावर्स भी होती हैं और एमरजेंसी पावर्स होती हैं और अदर पावर्स भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये सभी 6-7 तरह की जो पावर्स हैं हम गवर्नर की आपके साथ डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती हैं। लेजिस्लेटिव पावर में क्या होता है, आपको पता है कि किसी एक स्टेट का गवर्नर अपॉइंट किया जाता है या दो से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, तो उस स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसको डिसॉल्व करने का, उसको भंग करने का, उसको स्थगित करने का और उसको बुलाने का काम कौन करता है, वो गवर्नर का ही काम होता है, ठीक है। फिर जो फर्स्ट सेशन होता है स्टेट लेजिस्लेचर का, जैसे अभी स्टेट लेजिस्लेचर ने अपना फर्स्ट सेशन शुरू किया, नई एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनी है और उसने अपना कार्य करना अभी भी शुरू किया, तो उसका फर्स्ट सेशन एड्रेस किया जाता है हमारे गवर्नर द्वारा, ठीक है, उस स्टेट के गवर्नर द्वारा अब किया जाता है। और हर बार जब न्यू सेशन शुरू होता है तो उस सेशन को एड्रेस करने का काम भी यो उस स्टेट का गवर्नर करता है। फिर ये स्टेट लेजिस्लेचर को मैसेज सेंड करता है गवर्नर कि आपके सामने कौन कौन से बिल्स अभी अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, आपको पता है ना कई कई स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे 6 स्टेट्स में हमारे वहाँ पे बाइकैमरल काउंसिल है, जैसे वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, ठीक है, जैसे महाराष्ट्र, बिहार वगैरह, उत्तर प्रदेश वगैरह हो गए, तो ये 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे बाइकैमरल काउंसिल है, ठीक है। तो उनके लगभग 1/6 मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल से, वो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर द्वारा, वहाँ के गवर्नर द्वारा, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये अध्यादेश भी जारी कर सकता है, जो गवर्नर होता है स्टेट का वो अध्यादेश जारी करता है, पर ये अध्यादेश कब जारी करेगा जब लेजिस्लेटर सेशन में नहीं होते, जब लेजिस्लेटर अपने सेशन में नहीं होती और अवकाश में होती है, ठीक है। और आर्टिकल 213 इसको पावर देता है अध्यादेश जारी करने का। अब अगर इन ऑर्डिनेंस को, इन अध्यादेशों को अगर जब लेजिस्लेचर द्वारा रिसेंबल होती है तो उसको विदिन 6 वीक्स उसको अप्रूव करना पड़ता है, तभी ये ऑर्डिनेंसेस आगे जाके लॉ बन सकते हैं। और जो बिल्स होते हैं, ये बिल्स को असेंट देता है, तभी अगर गवर्नर की असेंट नहीं मिलती है बिल को तो वो लॉ नहीं बनेंगे। इसका मतलब गवर्नर को असेंट देनी पड़ती है तभी वो जाके आगे लॉ बनते हैं, ठीक है। फिर जो बिल्स के रिलेटेड जो अल्टरनेटिव्स होते हैं गवर्नर के पास, हम उनको डिस्कस करेंगे। जैसे ही कैन गिव हिज असेंट टू द बिल्स, 4 तरह के अल्टरनेटिव्स होते हैं बिल के रिलेटेड। अगर किसी बिल को लॉ बनाना है, जब स्टेट असेंबली उसको गवर्नर को भेज देती है तो गवर्नर के पास 4 अल्टरनेटिव होते हैं। जैसे ही कैन गिव असेंट टू द बिल, वह बिल को असेंट दे सकता है, अपनी स्वीकृति दे सकता है। सेकंड क्या होता है, ही कैन विदहोल्ड हिज असेंट, वो अपनी स्वीकृति नहीं देता है, वो विदहोल्ड करके रख सकता है स्वीकृति, सेकंड उसके पास ऑप्शन होता है। और आगे क्या होता है, ही कैन रिटर्न इट इफ इट इज नॉट ए मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन सजेस्टिंग अल्टरेशन। अगर वो मनी बिल नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना, अगर वो मनी बिल नहीं है तो वो स्टेट असेंबली को दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए उस बिल को भेज सकता है कि इसमें थोड़े अल्टरेशन करो, इसमें थोड़े अमेंडमेंट करो और दोबारा मेरे पास भेजो। बट सच बिल्स वेन पास्ड अगेन हैव टू बी गिवन असेंट। बट सच बिल्स अगर बिना किसी चेंजेस के भी लेजिस्लेचर उसको दोबारा गवर्नर को भेज देता है तो गवर्नर को उसको असेंट, स्वीकृति अपनी देनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ इफ़ इट इज नॉट मनी बिल, क्योंकि जो भी मनी बिल होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में वो गवर्नर की प्रायर रिकमेंडेशन पे ही पेश किए जाते हैं, यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ही मे रिजर्व द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द प्रेजिडेंट। चौथा ऑप्शन इसके पास क्या होता है गवर्नर का, राज्यपाल के पास क्या होता है चौथा ऑप्शन, कि वो प्रेसिडेंट की रिकंसिडरेशन के लिए, प्रेसिडेंट के विचार विमर्श के लिए किसी बिल को रिजर्व रख सकता है। तो ये आपको चारों अल्टरनेटिव गवर्नर के बारे में बिल से रिलेटेड ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यपालिका की शक्ति क्या क्या होती है, ठीक है। ऑल एग्जीक्यूटिव डिसीजंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम। जैसे आपको पता है स्टेट सिविल सर्विसेज में जब बड़े बड़े ए ग्रेड की पोस्टों पर जब कोई आदमी अपॉइंट किया जाता है तो जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन होते हैं, कार्यपालिका के जितने भी डिसीजन होते हैं तो वो गवर्नर के नाम पे ही लिए जाते हैं। उन पे कई बार अपॉइंटमेंट लेटर पे, ए ग्रेड की पोस्टों के अपॉइंटमेंट लेटर पे आप देखना स्टेट लेवल पर गवर्नर के साइन होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जितने एग्जीक्यूटिव डिसीजन होते हैं गवर्नमेंट के वो ऑन द नेम ऑफ गवर्नर ही लिए जाते हैं, ठीक है। फिर ये क्या करता है गवर्नर, गवर्नर अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। यहाँ पे ध्यान रखना है जो गवर्नर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, बट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ चीफ मिनिस्टर ही ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, ठीक है। फिर चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन,
जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है जैसे पंजाब का पीपीएससी है, उसके चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट करने का काम भी ये गवर्नर करता है, ठीक है। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, स्टेट का अपना वकील होता है जिसको एडवोकेट जनरल कहते हैं, जिसका आर्टिकल 165 में वर्णन किया गया है। तो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को कौन करता है अपॉइंट, ये गवर्नर ही अपॉइंट करता है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द स्टेट, स्टेट जो पंचायत लेवल के इलेक्शंस वगैरह करवाती है, ये म्यूनिसिपैलिटी कमेटी के इलेक्शंस करवाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ द स्टेट उसको अपॉइंट करने का काम भी गवर्नर करता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं उनके पास जुडिशियल पावर्स क्या होती हैं। आपको यहाँ पे देना, ही कैन ग्रांट पार्डन्स, रिप्रीव्स, रेस्पाइट्स एंड रिमिशंस ऑफ पनिशमेंट, ठीक है ना। ये किसी की पनिशमेंट माफ कर सकता है किसी कैदी की, ठीक है, या उसकी पनिशमेंट को कम कर सकता है, या उसकी हार्श पनिशमेंट को थोड़ा थोड़ा नॉर्मल बना सकता है, ये सारे काम कर सकता है गवर्नर। देखो ये जुडिशियल पावर्स जो होती हैं हमारे प्रेजिडेंट के पास भी होती हैं। प्रेजिडेंट की जुडिशियल पावर और गवर्नर की जुडिशियल पावर में दो अंतर होती है। प्रेजिडेंट डेथ पेनल्टी को भी माफ कर सकता है, ठीक है, और प्रेजिडेंट मार्शल लॉ से रिलेटेड, जो आर्मी से रिलेटेड जो होते हैं, जो जुडिशियल डिसीजन होते हैं, वो भी प्रेजिडेंट माफ कर सकता है। बट इन दैट केस जो हमारे गवर्नर होते हैं, गवर्नर ऐसा नहीं कर पाते। गवर्नर डेथ पेनल्टी को माफ नहीं कर सकते हैं, और गवर्नर जो होते हैं मार्शल लॉ से रिलेटेड कोई अपना डिसीजन नहीं सुना सकते। बाकी गवर्नर भी सब कुछ कर सकता है, ठीक है। ही इज कंसल्टेड बाय द प्रेजिडेंट वाइल अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट, ठीक है। वह प्रेजिडेंट, जब जो गवर्नर होता है प्रेजिडेंट, उनसे सलाह मशविरा करके ही स्टेट हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है, ठीक है। प्रेजिडेंट कंसल्ट करता है गवर्नर को, तभी वहां के स्टेट हाई कोर्ट में जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है। फिर और आगे जुडिशियल पावर्स क्या होती है, ही मेक्स अपॉइंटमेंट पोस्टिंग्स एंड प्रमोशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट। वो स्टेट हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके अपॉइंटमेंट करता है, पोस्टिंग करता है, प्रमोशन करता है डिस्ट्रिक्ट जजेस की, बट स्टेट हाई कोर्ट से कंसल्ट करके करता है, गवर्नर करता है ये। ही आल्सो अपॉइंट्स पर्संस टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट, वो पर्संस अपॉइंट करता है जो स्टेट को जुडिशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उन पर्सन को अपॉइंट करता है अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस। डिस्ट्रिक्ट जजेस को यहाँ पे वो नहीं करता है, ठीक है ना। इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट एंड द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो स्टेट को जुडिशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर करता है। किनकी कंसल्टेशन के साथ करता है, स्टेट हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की कंसल्टेशन के साथ, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं फाइनेंशियल पावर्स क्या होती हैं। ये इंश्योर करता है गवर्नर कि बजट है जो कि बजट जो पेश किया जाए, वो फाइनेंस मिनिस्टर को बोलता है कि आप लेजिस्लेटिव असेंबली में बजट पेश करो। ऑल मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन हिज रिकमेंडेशन ओनली, जितने मनी बिल होते हैं वो सिर्फ, हमने आपको पहले भी बताया, जितने मनी बिल्स होते हैं वो प्रायर रिकमेंडेशन से ही आते हैं गवर्नर के। जो मनी बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में वो ऑन द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर ही किए जाते हैं, ठीक है। ही सीज दैट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको बजट बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। वही इंश्योर करता है, यही रेकमेंड करता है कि आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट को स्टेट लेजिस्लेचर में पेश करो, ठीक है। नो डिमांड फॉर ए ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन, अगर कोई ग्रांट लेनी है स्टेट गवर्नमेंट में तो सबसे पहले गवर्नर की, राज्यपाल की रिकमेंडेशन जरूरी है, तभी उसको ग्रांट प्रोवाइड की जाती है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं फाइनेंशियल पावर्स में, ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कंटेंजेंसी फंड ऑफ द स्टेट टू मीट एनी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर, ठीक है। आर्टिकल 261 में आपने देखा होगा कि कंटेंजेंसी फंड ऑफ द स्टेट और सेंट्रल होता है, तो कंटेंजेंसी फंड ऑफ स्टेट में से अगर अनफोर्सिन इवेंट को हैंडल करने के लिए, जैसे कोविड आ गया या फ्लड आ गया स्टेट में या कोई और तरह की कोई अनफोर्सिन इवेंट आ गई, उसको हैंडल करने के लिए कंटेंजेंसी फंड में से अगर आपको पैसा निकालना है, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा निकालना है, तो ये ही स्टेट गवर्नमेंट को कहता है कि आप इसमें से पैसे ले लो, ठीक है, कंटेंजेंसी फंड, आप अनफोर्सिन इवेंट को आप डील करो। ही कॉन्स्टिट्यूट्स ए फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, तो ये फाइनेंस कमीशन, देखो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में दे रखा है, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे भी एक फाइनेंस कमीशन अपॉइंट किया जाता है, और ठीक है, और स्टेट लेवल पे भी फाइनेंस कमीशन अपॉइंट किया जाता है। तो हर 5 साल के बाद पंचायत की और म्यूनिसिपैलिटीज की फाइनेंशियल पोजिशन का रिव्यू करने के लिए गवर्नर होता है स्टेट लेवल फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल बाद अपॉइंट करता है, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं कि एमरजेंसी पावर्स क्या होती हैं गवर्नर की, ठीक है ना। ये प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलाई जा रही है, तो ये रेकमेंड करता है प्रेसिडेंट को कि यहाँ पे एमरजेंसी लगाई जाए, यहाँ पे प्रेसिडेंट का रूल लगाया जाए, ठीक है। आर्टिकल 356 के तहत
प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी, जो आर्टिकल 356 है उसमें प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चलाया जा रहा है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो आर्टिकल 365 है उसमें क्या होता है, आर्टिकल 365 में ये होता है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशंस को नहीं मान रही है या उनकी इंस्ट्रक्शंस को नहीं मान रही है तो आर्टिकल 365 से के रिलेटेड वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, ठीक है। और तब कहाँ होता है, जब जो जब वहाँ पे आर्टिकल 356 के तहत या आर्टिकल 365 के तहत वहाँ पे अगर कोई एमरजेंसी लग जाती है स्टेट में या प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, तब जो गवर्नर होता है वो प्रेसिडेंट का एजेंट बन जाता है और जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है वहाँ पे गवर्नर चलाता है विद द हेल्प ऑफ सिविल सर्वेंट्स। जो वहाँ पे सारा काम करता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है वहाँ पे गवर्नर करता है जब प्रेसिडेंट का रूल लग जाता है। और प्रेसिडेंट गवर्नर किनकी सहायता से काम करता है, गवर्नर एज एजेंट काम करता है प्रेसिडेंट का, और किसकी सहायता से करता है, विद द एड ऑफ सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनकी एड से काम करता है, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं अदर पावर्स क्या होती हैं गवर्नर की। गवर्नर स्टेट ऑडिटर जनरल की टेबल को रिपोर्ट करता है, मतलब टेबल रिपोर्ट को टेबल करता है और उसको रिसीव करता है, ठीक है। जो हिसाब किताब होता है स्टेट का कितना पैसा लगा, स्टेट ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को टेबल करता है, ठीक है। और क्या करता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसकी जो रिपोर्ट होती है हर साल वो पेश की जाती है लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसको पेश करता है। और ये यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर के रूप में काम करता है और यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर अपॉइंट करने का काम भी ये करता है, गवर्नर करता है। तो ये हमने आपके साथ डिस्कस किया कि गवर्नर की क्या क्या पावर होती हैं, कौन कौन सी पावर होती हैं, ये सब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बींग विद अस।